ऑप्शन का जो क्लास है उसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। अच्छा, आज का क्लास चालू करने के पहले मैं कल का बता दूं, कल मैं 2 से 3 पढ़ाऊंगा और 3 से 4 तुम लोग का टेस्ट होगा, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है ऑप्शंस में और एक्सेल बेसिक्स का, जैसे एक क्लास हुआ तो उससे आपका 1 घंटे का टेस्ट होगा। ऑफलाइन में जो प्राइज जीतेगा उसको मिलेगा 1100 टॉप स्कोरर को, क्योंकि अभी ऑफलाइन में 1 ही जन आ रहा है, 2 जन आ रहा है, तो कल जो आएगा ऑफलाइन में कंपटीशन कम है क्योंकि ऑफलाइन में कोई आता नहीं है और ऑनलाइन में है कंपटीशन ज्यादा। तो ऑनलाइन वालों का प्राइस मनी अलग है 1100 और ऑफलाइन वालों का प्राइस मनी अलग है। लैपटॉप लेके आना जो भी कल ऑफलाइन में आएगा, ठीक है। तो 1 घंटा पहले में हम लोग पढ़ाएंगे डेरिवेटिव्स और फिर 1 घंटे का टेस्ट होगा। अभी तक जो भी हमने किया उसका टेस्टिंग होगा, ठीक है। तो चलिए आइए, तो आज का क्लास को चालू करते हैं। आज लगभग 1 घंटा हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पी माइनस क्या होता है, बताओ। पी माइनस का मतलब है पुट सेल करना, पुट ऑप्शन सेल करना। इसका मतलब क्या हुआ, पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, राइट टू सेल। राइट टू सेल मतलब क्या, बेचने का हक सामने वाले को बेच दिया। अगर सामने वाला चाहेगा तो मेरे को एक स्पेसिफाइड प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेच सकता है और मेरे को बाउंड होकर खरीदना पड़ेगा। सामने वाले का राइट, मेरा ऑब्लिगेशन। क्यों, क्योंकि सामने वाला मेरे से एक हक खरीदा है और उसके लिए वो एक प्रीमियम मेरे को पे किया है, मैंने प्रीमियम खाया है, इसलिए मेरा ऑब्लिगेशन सामने वाले का राइट, क्योंकि सामने वाले ने प्रीमियम दिया है, ठीक है। तो पी माइनस में क्या होता है, नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा, राइट, नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा, ठीक है। अब आज हम लोग देखेंगे, तो तुम लोग का टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आज मैं, आज हम लोग पहले थोड़ा ऑब्स्ट्रा देखेंगे, ठीक है। आओ, ठीक है, ये हमारा बिल्डर आ गया। तो हमने जो सारे स्ट्रैटेजीज किए ना, अभी हम लोग स्ट्रैटेजीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी आप लोग लिखिए, स्ट्रैडल, STRADDLE, स्ट्रैडल, स्ट्रैडल, ठीक है। तो स्ट्रैडल समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो हेडिंग लगाना, पहले स्ट्रैडल, स्ट्रैडल लिख दिया ना, अब पहले हेडिंग लगाना, मनीनेस ऑफ ऑप्शंस, मनीनेस ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। हम लोग एक चीज समझते हैं, कॉल, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन जो होता है ना, ये ऑप्शन जो होता है ये दो चीज से बनता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। लिख देना, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन में क्या होता है ना, आपके पास में एक ऑप्शन है, एक हक है। अब देखो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर आज एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन को तो कितना रुपया मिलेगा, लिखो। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर अगर ऑप्शन को आज एक्सरसाइज करेंगे तो कितना मिलेगा, और ये टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है, ऑप्शन मेरे फेवर में मूव करेगा, ठीक है। ध्यान देना, यहां तक पहले कॉपी कर लो अच्छे से, कॉपी कर लिया। अब देखो अगर मान लो के मेरे को दिया हुआ 500 और जो शेयर का जो प्राइस है वो भी है 500, ठीक है।
एंड मैच्योरिटी पे मान लो 6 मंथ्स का है, मैच्योरिटी पे मान लेते हैं तुम्हारा जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 550, ठीक है, और मान लेते हैं ये है कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, ठीक है, तो खरीदा जब था टाइम जीरो पे उस समय ऑप्शन के लिए प्रीमियम पे किया 20 रुपया, ठीक है। एक बात बताओ, अगर टाइम जीरो पे ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो कितना रुपए मिलेगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन है तो ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, बट टाइम जीरो पे क्या है, स्ट्राइक प्राइस भी 500 है और शेयर प्राइस भी 500 है, तो टाइम जीरो पे तो ऑप्शन क्या हो जाता है, लैप्स। तो मतलब इस ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है और टाइम वैल्यू 20 है, क्योंकि टाइम जीरो पे मैंने क्या बोला, अगर आज एक्सरसाइज करता है तो कितना मिलता है इस इंट्रिंसिक वैल्यू, तो टाइम जीरो के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो उस समय क्या है मेरा, उस समय क्या है मेरा ऑप्शन का दाम है 20 रुपया, तो ये जो 20 रुपया मैंने दिया है हक का दिया है कि ऑप्शन मेरे फेवर में मूव करेगा। सर हमारे अगेंस्ट में भी तो मूव कर सकता है, अरे अगर अगेंस्ट में मूव करता है तो करे टाइम वैल्यू, नहीं नहीं हम बता रहे, अगर अगेंस्ट में मूव करता है, अगर अगेंस्ट में, सबको मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना, अगर अगेंस्ट में, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, अगर अगेंस्ट में मूव करता है तो हम लोग नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं, क्यों नहीं डरते हैं बताओ, तो क्यों नहीं डरते हैं, बिकॉज लॉस इज व्हाट, लिमिटेड। नहीं समझा तुम लोग, लॉस तो लिमिटेड है, लॉस कितना पे लिमिटेड है, जो ऑप्शन का प्रीमियम दिया है उस पे लिमिटेड है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं मार्केट में तूफान आ जाए, जो ऑप्शन का जो बायर है वो चाहता है मार्केट में तूफान आ जाए, माय लॉस इज लिमिटेड टू द मैक्सिमम प्रीमियम दैट आई एम पेइंग 20 रुपीज का, इससे ज्यादा मेरा नुकसान नहीं हो सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या, अगर आज एक्सरसाइज करेंगे तो कितना मिलेगा, तुम लोग इसको भूल जाओ, इससे हो सकता है तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा हो, इसको भूल जाओ, ठीक है। आज अगर एक्सरसाइज करते तो कितना रुपया, आज अगर एक्सरसाइज करते तो ऑप्शन तो लैप्स हो जाएगा ना, तो इसका ऑप्शन का दाम है 20 रुपया, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ 0, टाइम वैल्यू हुआ 20। टाइम वैल्यू का मतलब है वोलेटिलिटी प्रीमियम, इसको हम लोग वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी प्रीमियम भी बोलते हैं, इसको हम लोग वोलेटिलिटी प्रीमियम भी बोलते हैं। वोलेटिलिटी प्रीमियम का मतलब क्या होता है, वोलेटिलिटी प्रीमियम का मतलब, इसको हम लोग वोलेटिलिटी प्रीमियम भी बोलते हैं। वोलेटिलिटी प्रीमियम का मतलब है वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी प्रीमियम का मतलब है कि जो मार्केट्स में वोलेटिलिटी है उससे मेरे को फायदा होगा, ठीक है ना, इसको हम लोग टाइम वैल्यू भी बोलते हैं, टाइम वैल्यू भी बोलते हैं। टाइम वैल्यू मतलब ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में आप देखोगे ना, अभी जैसे मान लो ये वाला हुआ, अभी जैसे मान लो 6 महीने का ऑप्शन है, ठीक है, 6 महीने का ऑप्शन है, आपका टाइम वैल्यू है 500 रुपया, ठीक है, टाइम वैल्यू 500 रुपया है, तो आपको क्या लगता है 1 महीना के बाद में भी ये क्या 500 रुपया रहेगा, नहीं, ऑप्शन गलता है, विद टाइम ऑप्शन गलता है कि भाई मेरे फेवर में मूव करेगा, कम टाइम में मेरे फेवर में मूव करेगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कम, ज्यादा टाइम में मेरे फेवर में मूव करेगा इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा ज्यादा, ठीक है, तो टाइम वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगा, समझा, टाइम वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन में क्या होता है, टाइम वैल्यू गलता है, ऑप्शन हम लोग बोलते हैं विद टाइम गलता है, ठीक है। अब एक चीज समझना, बेसिक चीज समझो, मान लो तुम्हारा के है 500, ठीक है, एस जीरो दिया हुआ है 450, पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, ठीक है, प्रीमियम है 100, तो बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है और टाइम वैल्यू कितना है, जल्दी जल्दी बताओ, नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस के 50 नीचे है तो अगर आज एक्सरसाइज करेंगे तो कितना रुपए मिलेगा, 50, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 50 मेरा टाइम वैल्यू है, हाँ, तो प्रीमियम 100 है ना, तो 100 का ब्रेकअप है ये, प्रीमियम का ब्रेकअप है, आज मान लो प्रीमियम का प्रीमियम अगर 100 रुपीज है तो उसमें 50 रुपीज अगर मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ तो बाकी 50 रुपीज क्या होगा, टाइम वैल्यू ऑब्लिक वोलेटिलिटी प्रीमियम, कि ऑप्शन मेरे फेवर में मूव करेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब जैसे चीज समझो, अगर मान लो ये 450 पे ही मैच्योरिटी पे रहता है तो इस केस में क्या होगा, 450 होगा मेरा समय पे ऑफ कितना होगा, 50 रुपया, तो जो चीज को मैंने 100 रुपए में खरीदा था उसका वैल्यू कितना हो गया, 50 रुपया, क्योंकि धीरे धीरे करके ये टाइम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0।
समझा? ऑप्शंस का जो इंडेक्स का जो ऑप्शंस होता है उसका ऑलमोस्ट हर वीक एक्सपायरी होता है, थर्सडे को एक्सपायरी होता है, ठीक है? तो उसमें तुम देखिएगा ना, जैसे मान लो थर्सडे को 3 बजे एक्सपायरी है, 3:30 बजे, तो 1 बजे उसका एकदम प्रीमियम एकदम कम हो जाता है, क्योंकि 2 घंटा में कितना चेंज होगा मार्केट, ठीक है? तो ये चीज है, ठीक है? इसको कॉपी करो। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मनीनेस ऑफ ऑप्शंस, मनीनेस ऑफ ऑप्शंस, और आज हम आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिटिक्स काम करता है। तुम लोग धीरे धीरे करके रिकॉर्डेड से चैप्टर्स 1, 2, 3 करना चालू कर दो, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, यूटिलिटी थ्योरी और मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है? जब तक मैं ये वाला टॉपिक करा रहा हूं तब तक तुम लोग वो 3 टॉपिक एकदम अच्छे से कर लो, ठीक है? ये वाला हुआ। अब इसके बाद ध्यान देना, अब जैसे मनीनेस में 3 चीज होता है, एक होता है इन द मनी, एक होता है एट द मनी और एक होता है आउट ऑफ द मनी। पहले मैं कॉल का समझा देता हूं, ठीक है? जैसे मान लेते हैं के हम लोग को दिया हुआ है 500, ठीक है? शेयर प्राइस का अगर हम लोग बात करते हैं, शेयर प्राइस अगर मान लो कॉल के केस में 550, 500 एंड 450, चीज समझो, अगर आज एक्सरसाइज करने से कुछ मिलेगा, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो इन द मनी हो गया, अगर एट द मनी है मतलब स्ट्राइक इज इक्वल टू शेयर प्राइस, और अगर आउट ऑफ द मनी है मतलब क्या, जो भी ऑप्शन का प्रीमियम है वो खाली हवा है, वो खाली हवा है, ठीक है ना? कॉपी कर लीजिए इसको। पुट के केस में, पुट के केस में ठीक उल्टा हो जाएगा, ये अगर हम लोग मानते हैं इन द मनी है, ये एट द मनी है और ये आउट ऑफ द मनी है, ठीक है? स्ट्राइक मान लेते हैं 500 का, ठीक है? स्ट्राइक मान लेते हैं 500 का, तीनों ही केस में 500 का स्ट्राइक मान लेते हैं, तो यहां पर जो मेरा शेयर प्राइस जो है, यहां पर जो मेरा शेयर प्राइस जो है पुट में इन द मनी में आएगा 450, ये 500 का 500 ही रहेगा और ये रहेगा 550, ठीक है? और इससे मैं आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या, ऑप्शन में खाली टाइम वैल्यू है, एट द मनी का भी मतलब क्या, ऑप्शन में खाली टाइम वैल्यू है, इन द मनी में क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और टाइम वैल्यू भी है, ठीक है? इसको बोलते हैं मनीनेस, मनीनेस ऑफ द ऑप्शन, मनीनेस ऑफ द ऑप्शन, मनीनेस ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, कॉपी हो गया ना? ठीक है, अब आगे चलो। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं के मेरे को दिया हुआ 1350, ठीक है? एस जीरो मेरे को दिया हुआ 1200, ठीक है? पुट ऑप्शन है, ठीक है? पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो दिया हुआ 200, ठीक है? आपको इंट्रिंसिक वैल्यू बताना है और टाइम वैल्यू बताना है, बताइए। अगर आज एक्सरसाइज होगा तो क्या होगा, 150 मिलेगा, क्योंकि नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, प्रीमियम पे किए 200, मतलब बैलेंस किसका है, टाइम वैल्यू का है, ठीक है? इसी में अगर मैं बोलता हूं कॉल का जो प्रीमियम है, कॉल का जो प्रीमियम है वो है 30 रुपीज, तो इंट्रेंसिक वैल्यू बताइए और टाइम वैल्यू बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा बट शेयर प्राइस नीचे है, तो ये बेसिकली कॉल जो हो गया ये आउट ऑफ द मनी हो गया, और पुट जो हो गया वो क्या हो गया, इन द मनी हो गया, ठीक है? इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आएगा मेरा, 0, और टाइम वैल्यू आएगा 30 रुपया। जैसे जैसे हम लोग इन द मनी से आउट ऑफ द मनी जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है? और एक चीज देख लो, कॉल के केस में जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ता है, स्ट्राइक प्राइस अगर बढ़ता है तो मेरा जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए, गिर जाएगा। स्ट्राइक प्राइस ज्यादा ना तो ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा,
कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत तो प्लीज चैट बॉक्स पर टाइप कीजिए। समझ में आ रहा है सबको? यस नो? मैंने सुबह हमारा दिल्ली सेंटर का एक वो भेजा है, उसमें जिसको भी अच्छा लग रहा है हमारा ट्रेनिंग सेंटर प्लीज उस पर एक रिव्यू डाल दीजिएगा। मैंने सुबह दिल्ली सेंटर का गूगल का रिव्यू दिया है, लिंक बहुत, देखो बहुत बड़ा एक लिंक दिया है मैंने, डाला है। जिसको भी हमारा ट्रेनिंग सेंटर अच्छा लगता है दिल्ली सेंटर पे प्लीज एक रिव्यू डाल दीजिएगा, ठीक है? अब इधर ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो। कॉपी हुआ अर्चिता? हो गया? अब इधर ध्यान देना, जैसे मान लो कॉल है, ठीक है, K1 है 500, K2 दिया हुआ 600, ठीक है, शेयर प्राइस एट मैच्योरिटी इज 700, ठीक है, तो पहले वाले में पे ऑफ कितना आएगा? पे ऑफ वन कितना आ रहा है? 200, एंड पे ऑफ टू कितना आ रहा है? 100 ना, तो ऑब्वियस बात है स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, मेरा पे ऑफ कम हो जाएगा, राइट? तो ऑप्शन का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, अब जो मैंने हेडिंग लगवाया था आपको स्ट्रैडल, ठीक है, स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है? एट द मनी सी प्लस एंड पी प्लस, एट द मनी सी प्लस एंड पी प्लस, ठीक है? ध्यान देना, पहले मैं आपको ऐसा ग्राफ बता देता हूं कैसा दिखता है, ठीक है? ध्यान दो, देखो, जैसे मान लो अगर मेरा K मेरा स्ट्राइक प्राइस है, एट द मनी पे क्या होता है, ध्यान देना, एट द मनी पे क्या होता है, एट द मनी पे क्या होता है, K इज इक्वल टू S, शेयर प्राइस इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस। अब जैसे क्या होगा, शुरू में मैंने कुछ प्रीमियम दिया होगा, तो ये किसका ग्राफ है, ये कॉल का हो गया, और ये किसका ग्राफ है, ये पुट का हो गया। ढंग से बना नहीं है, एक मिनट, तुम लोग मोटा मोटी चीज समझ गया ना, ये ऐसा क्यों बना रहा है, अब ये भी ध्यान देना, इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल, मैंने एट द मनी का एक कॉल बाय किया, एट द मनी का एक पुट बाय किए। ये हम इसलिए किए, मेरे को लगता है मार्केट में तेजी आएगा, मार्केट में तूफान आएगा, तेजी मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगा, बट किस तरफ बढ़ेगा मेरे को यह नहीं पता है, ऊपर तरफ बढ़ेगा कि नीचे तरफ बढ़ेगा मेरे को यह नहीं मालूम है। तो इसीलिए हमने यहां पर क्या किया, यूनिट मैंने दोनों तरफ का एक एक ऑप्शन बाय कर लिया। अब बहुत जोर अगर ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, बहुत जोर अगर नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, बट अगर थम गया मार्केट तो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, मेरे को नुकसान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो शेयर प्राइस दिया हुआ 1000 का, तो स्ट्राइक प्राइस भी कितना हो जाएगा 1000, तुम बेसिकली 1000 का स्ट्राइक प्राइस का एक सी प्लस किया, इसमें तुम दिया 50 रुपया, एक पी प्लस किया, इसमें तुम दिया 60 रुपया, ठीक है, टोटल में तुम कितना प्रीमियम दिया 110। तो अब ये वाला पॉइंट क्या होगा, हम बोलता है अब जैसे मैच्योरिटी पे तुम्हारा पे ऑफ किसके ऊपर चालू होगा, 1000 के ऊपर, 1000 के नीचे, बट तुम्हारा प्रॉफिट अगर ये 1000 है ना, तो तुम्हारा प्रॉफिट कब से चालू होगा, प्रॉफिट तुम्हारा चालू होगा या तो 1110 के ऊपर या फिर 890 के नीचे, समझा? मतलब प्लस माइनस अगर 110 में रहा, अगर प्लस माइनस 110 में रहा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना? तो इसके लिए लिखो, पता नहीं है कि ऊपर या नीचे, बट एक्सपेक्टिंग हाई
वोलेटिलिटी। सबको समझ में आया लॉन्ग स्ट्रैडल क्या है? ये पूरा एक्चुअल में मार्केट में होता है, ठीक है? हो गया? ठीक है, अब ध्यान देना यही। अब अगर मान लो हम लोग करते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल, अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, अब क्या होगा? अब यही चीज जो कोन है, अब ये इन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है ना? शॉर्ट स्ट्रैडल में तो यही होगा। क्यों ऐसा होगा शॉर्ट स्ट्रैडल में? क्योंकि मैंने क्या किया, प्रीमियम खाया है मैंने प्रीमियम। सेम चीज को ही उल्टा कर दो ना, अब क्या होगा? प्लस माइनस 110 में मेरा प्रॉफिट होगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि मार्केट थम जाए, मार्केट लो वोलेटिलिटी। क्योंकि उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, और अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट होगा। प्लस माइनस 110 का अगर रेंज में रहेगा तो स्ट्रैडल का मतलब होता है एट द मनी कॉल पुट। बेचा तो लॉन्ग, सॉरी बेचा तो शॉर्ट, खरीदा तो लॉन्ग। अब देखो शॉर्ट सेल मतलब क्या होता है, सी माइनस पी माइनस एट द रेट स्ट्राइक इज इक्वल टू स्पॉट, मैंने एट द मनी, बेसिकली एट द मनी का ऑप्शन बेच रहा है। और यहां पर मैंने क्या लिखा है, एट द मनी सी प्लस पी प्लस। क्लियर है? हाँ, कॉपी कर ले इसको। अब देखो ध्यान से, हो गया? अब एट द मनी वाला ऑप्शन ना महंगा होता है, सबसे ज्यादा महंगा ऑप्शन होता है इन द मनी, फिर आता है एट द मनी, फिर आता है एट द मनी, और फिर आता है आउट ऑफ द मनी। मैंने सबसे सस्ता ये होगा ना, मैं आपको समझाता हूं कैसे आ रही है ला। अब जैसे इसके लिए ऑप्शन चेन अपने देखते हैं, ठीक है? एनएससी इंडिया में गया, ऑप्शन चेन में गया। अब ये समझना है इसको, निफ्टी का दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? निफ्टी का दिखा रहा हूं, देखो ऐसा दिखता है ऑप्शन चेन। अब देखो यहां पर ये वाला जो है ये पूरा कॉल्स है, दिख रहे? और ये वाला जो पूरा है ये पूरा पुट्स है, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, तो निफ्टी का अभी जो आपका चल रहा है 25,900 पे आ जाओ, ये देखो 25,000 पे आ जाओ, तो 25,000 अभी स्पॉट चल रहा है, तो 25,000 का कॉल पुट क्या हो जाएगा एट द मनी। ध्यान से मेरी बात को सुनो, आज वाला क्लास में अपने पूरा प्रैक्टिकल सीखेंगे ऑप्शन। 25,000 अभी चल रहा है तो 25,000 का कॉल पुट क्या हो जाएगा एट द मनी, ठीक है? 25,000 ये स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक है, ठीक है? तो 25,000 अभी चल रहा है, तो अगर 24,000 का स्ट्राइक का देखते हैं, 24,000 का अगर अपने स्ट्राइक का देखते हैं, ये रहा 24,000, तो 24,000 का स्ट्राइक का अगर अपने देखेंगे तो कॉल क्या हो जाएगा, 24,000 का अगर स्ट्राइक का देखेंगे तो कॉल क्या हो जाएगा, 24,000 का अगर स्ट्राइक प्राइस का देखेंगे तो कॉल क्या हो जाएगा इन द मनी।
ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, हाँ स्ट्राइक है तो ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा। अगर 24,000 का देख रहे हैं तो कॉल क्या हो जाएगा, इन द मनी, पुट क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी। यही अगर 26,000 का देख रहे हैं, यही अगर 26,000 का देख रहे हैं तो कॉल क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी, एंड पुट क्या हो जाएगा, इन द मनी। ठीक है, अब ध्यान देना, अब देखो ये क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होता है, जितना तुम स्पॉट के बगल में मूव करेगा उतना लिक्विडिटी बढ़ता है। ठीक है, अब मैं आपको एट द मनी कॉल पुट का दाम दिखाता हूं। देखो 25,000 है, ठीक है, 25,000 का दाम चल रहा है 203, ठीक है, और यहां पर चल रहा है 174। 25,000 है, दाम चल रहा है 203 और यहां पर चल रहा है 174। ठीक है, एक्सपायरी देख लो, इंडेक्स ऑप्शंस का एक्सपायरी होता है एवरी थर्सडे, 10 अक्टूबर का एक्सपायरी है। देखो तो कैलेंडर में 10 अक्टूबर क्या डेट है, 10 अक्टूबर क्या डेट है, फटाफट चेक करो, वेडनेसडे की थर्सडे, वेडनेसडे पे थर्सडे में से कोई एक दिन होता है, थर्सडे है ना, हाँ तो थर्सडे को होता है एक्सपायरी। ठीक है, तो 10 देखो डेट्स देख लो 10 अक्टूबर के बाद 17, 24, 31, तो वीकली होगा, मंथली होगा, ऐसे करके होगा। ठीक है, अब जैसे से देखो, अभी इस क्वार्टर का सारा दिख रहा है, फिर उसके बाद हर क्वार्टर का दिख रहा है, 26 दिसंबर, देखो नवंबर तक है ना, फिर दिसंबर का अभी तक लिक्विड नहीं हुआ है, तो दिसंबर का दिख रहा है, फिर मार्च, फिर जून, फिर सितंबर, फिर दिसंबर, फिर देखो, फिर दिसंबर के बाद फिर सीधा जून दिख रहा है, तो वो जैसे उतना आगे का भी लिक्विड नहीं हुआ है, बोलने का मतलब ये। ठीक है, तो हर हफ्ता होता है ये वाला। ठीक है, आप क्या करोगे, आप अगर ज्यादा इसको बढ़ाओगे, 17 करोगे तो क्या होगा, प्रीमियम बढ़ जाएगा ना, सोच के देखो, ज्यादा टाइम है तो वोलेटिलिटी प्रीमियम ज्यादा होगा ना, बिकॉज ज्यादा टाइम में मेरे फेवर में ऑप्शन मूव करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा। ठीक है, 17 के जगह अगर मैं 24 करता हूं तो क्या होगा, और थोड़ा प्रीमियम बढ़ेगा। अब एक काम करो, थोड़ा डेटा नोट करते, ठीक है, पहले 10 पे आओ, 25,000 का कॉल पुट का दाम लिखो 25,000 का स्ट्राइक, स्पॉट चल रहा है निफ्टी 25,000, सब लोग लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा डेटा, फिर मैं बाद में सम्स कराऊंगा। 25,000 का स्ट्राइक प्राइस, 25,000 का करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है, 25,000 का इधर था क्या कॉल, इधर कॉल था ना, हाँ, 25,000 का कॉल का दाम चल रहा है 200 एंड 25,000 का पुट का दाम चल रहा है 170। ठीक है, और ये जो एक्सपायरी है ये 10th अक्टूबर, एक्सपायरी जो दिया हुआ है 10th अक्टूबर का दिया हुआ है। ठीक है, ये हुआ। अब एक चीज देखो, जैसे ही मैं 10 को 17 करता हूं, अब ध्यान देना, 10 को 17 किया, ठीक है, एक हफ्ता में 5 ट्रेडिंग सेशंस होता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो 25,000 का जो कॉल है उसका दाम हो गया 300, लिख लो, 17 अक्टूबर एक्सपायरी कितना हो गया, 17 अक्टूबर एक्सपायरी कितना हो गया, 300, ठीक है, एंड पुट का दाम हो गया 220, पुट का दाम हो गया 220। ठीक है, अभी एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी दिखाऊंगा तुम लोग को। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 24 अक्टूबर पे आ जाओ, तो 24 अक्टूबर पे देखो क्या हो रहा है, 24 अक्टूबर पे देखो क्या हो रहा है, 380 कॉल का दाम चल रहा है, 380 24 अक्टूबर कॉल का दाम चल रहा है 380, पुट का दाम चल रहा है 260, ठीक है। अब ध्यान दो, एक बार देखो, ऑप्शन बाइंग में कोई पैसा नहीं कमाता है, ठीक है, ऑप्शन बाइंग में कोई पैसा नहीं कमाता है, जो भी पैसा बनता है वो ऑप्शन सेलिंग में बनता है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में पैसा क्यों बनता है, हम तुमको ये भी समझाता है, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है ना, धीरे धीरे करके ऑप्शन गलता है, धीरे धीरे करके ऑप्शन गलता है। ठीक है, ऑप्शन गलने का मतलब क्या है, अब जैसे मान लो मार्केट 25,000 के आसपास घूम रहा है, ठीक है, अब एक चीज समझो, 25,000 है तो अगर मार्केट 25,000 पे थम गया, कितना तारीख का लास्ट अपने लिखवाए, 24 ना, 24 अक्टूबर का लिखवाए ना, इसमें लॉट साइज देखो, निफ्टी में लॉट साइज कितने का है, 25 का है, देखो 25 से नीचे नहीं है ना, निफ्टी में लॉट साइज 25 का है, क्योंकि 25,000 × 25 करेंगे तो कितना होगा, 25,000 × 25 करेंगे तो 625,000 हो रहा है ना, हाँ तो 25 का ही लॉट साइज होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में 15 का है, बैंक निफ्टी में 15 का, निफ्टी में 25 का, ध्यान देना एक बार। अब एक चीज समझो, अगर मान लो अभी सबसे पहले कौन सा डेट अपने पास, 10 अक्टूबर है, ठीक है, 10 अक्टूबर है, तो सब लोग कैलकुलेटर निकाल लो, ठीक है, तो कैलकुलेटर में सबसे पहले कैलकुलेट करो, अगर तुम एक लॉन्ग स्ट्रैडल करता है, लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है, देखो आज भी घर पे कोई भी अगर एफएनओ कर रहा है ना, तो आज जाके ज्ञान दे देना, ठीक है, पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। तो अब एक बात समझो, अगर कोई लॉन्ग स्ट्रैडल कर रहा है, ठीक है, सबका मुंह में हंसी,
अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेडल कर रहा है तो कितना रुपए प्रीमियम जा रहा है 10 अक्टूबर का, अगला हफ्ता का एक्सपायरी का अगर कोई कर रहा है, आज तो है ना, तो आज तो खत्म, अब नेक्स्ट का बात करो, ठीक है। तो 10 तारीख का एक कॉल और एक पुट, ठीक है, अगर कोई खरीद रहा है तो टोटल में कितना प्रीमियम लग रहा है बताओ, कैसे कैसे लग रहा है, एक सेकेंड रुको, हाँ सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं 10th ऑफ अक्टूबर का, ठीक है, अभी अपने कर रहे हैं एक सी प्लस और एक पी प्लस, बताओ प्रीमियम कितना कितना था, 200 और 170। ये मोटा मोटी ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर था स्पॉट में, ठीक है, मान लेते हैं एट द मोस्टली एट द मनी है, ठीक है। तो टोटल में बाय करने के लिए कितना प्रीमियम चाहिए, 370, कितने का लॉट है 25 का, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 25 का लॉट से कैलकुलेट करो 9250। देखो बाय करने के लिए क्या आ गया, एक लॉटरी का टिकट बाय कर लिया, 9250 का पैसा लगा। अब एक बात बताओ, कौन सा रेंज में मेरा पे ऑफ चालू, 25,000 के ऊपर जाए 25,000 के नीचे जाए मेरा पे ऑफ चालू, बट कौन सा रेंज में मेरा प्रॉफिट चालू, कौन सा रेंज में मेरा प्रॉफिट चालू, 25,000 प्लस ना 25,000 प्लस 370 माइनस 370, राइट। सो बेसिकली ये प्लस माइनस 370 कितना आ रहा बताओ एक बार, एक तो आएगा 25,370, 24,630, मतलब मार्केट या तो 24,630 के नीचे जाए या फिर मार्केट 25,370 के ऊपर जाए, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, तुम जितना ऊपर जाते जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर तुम्हारा प्रॉफिट चालू होगा। अब जैसे मान लो मार्केट 26,000 जाएगा, तो अभी कितना ट्रेडिंग सेशन बचा, पहले ये सोचो, आज का तो मोटा मोटी खत्म है कल, ठीक है, और चार और ट्रेडिंग सेशन क्योंकि सैटरडे संडे बंद है, चार और, ठीक है, तो कितना हो गया, 5 ट्रेडिंग सेशन में तुम बोल रहे हो मार्केट 25,000 से 26,000 जाएगा, उतना ज्यादा राइज नहीं आता है, ठीक है, उतना ज्यादा राइज, वैसे तो वॉलेटाइल मार्केट्स है बट उतना ज्यादा राइज नहीं आता, और वॉलेटिलिटी का जो मेजर है इंडिया में दैट इज विक्स, इंडिया वॉलेटिलिटी बोलते हैं, ठीक है, इंडिया वॉलेटिलिटी बोलते हैं विक्स, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान देना, ये जो अपना रेंज आ रहा है, हम लोग इसलिए बोला था कि बहुत बड़ा एक प्रॉफिट कमाएगा इसका प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा है, मान लेते हैं मार्केट 26,000 चला गया, ठीक है, तो तुमको कितना कमाएगा, 26,000 25,370, ठीक है ना, माइनस करो कितना आ रहा है, 630 है ना, 630 आ रहा है ना, तो 630 into 25 बताओ कितना आ रहा है, 15,750, और तुम बेसिकली ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, तुम कैपिटल इन्वेस्ट किया 9,000 और तुम कमा के निकला 15,000, कितना दिन में, 6-7 दिन में, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है बिगिनर्स लक में तुमको एक बार पैसा आएगा, दो बार पैसा आएगा, लेकिन मार्केट तो हर बार वैसा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या चीज समझो, ये तो ठीक है ना, अब देखो हम लोग एक चीज देखते हैं, अब आज अभी टाइम कितना हुआ है, 3 बज गया ना, तो आज का जो 25,000 का ऑप्शन है उसका वैल्यू कितना होगा, 0। एट द मनी का जो ऑप्शन होगा, हम बोलते हैं जो ऑप्शन 4th ऑफ अक्टूबर को एक्सपायरी है, ठीक है, और अगर स्ट्राइक दिया हुआ 25,000, ठीक है, स्पॉट चल रहा है तुम्हारा 25,000, ठीक है, तो कॉल हो चाहे पुट हो दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा ना। अब मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछता हूं, देखो बाय और सेल में, बाय वर्सेस सेल में क्या सबसे बड़ा फर्क है, मैं ये बोलता हूं कि मान लो तुम 25,000 का ऑप्शन बाय किया है, मार्केट 25,000 पे ही रुक जाता है, मार्केट 25,000 के आसपास ही घूमता है, 25,050, 24,950, 25,100, 24,900, ठीक है, इसी रेंज में अगर रहता है एक हफ्ता बाद, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, मान लेते 50 रुपए बड़ा घटा है तो तुम्हारा लक कितना गया, 370 लगा ना, कितना लग गया तुम्हारा, 370 लग गया, और तुमको पे ऑफ कितने का आएगा, मान लो 50 रुपए का आता है, 70 रुपए का आता है, तो भी तुम्हारा 300 रुपए का नुकसान हो गया, 25 का लॉट है तुमको कितने का नुकसान हो गया, 7,500 रुपए का तुमको नुकसान हो गया, समझा, ये बाय में है, ठीक है। सेल में क्या होगा, ध्यान दो, सेल में क्या होगा, तुम प्रीमियम खाया है तो तुमको इतने का ही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इसीलिए सेल में बोलते हैं कि तुम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाएगा, इसका अच्छा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट जो आज है उसके आसपास ही रहेगा ना एक हफ्ता में। अब तुम जितना दूर का बेचेगा
तुम जितना दूर का बेचेगा तुम उतना ज्यादा प्रीमियम खा पाएगा और तुम उतना ज्यादा रेंज के लिए प्रोटेक्टेड रहेगा। अब इसी एग्जांपल को लेते हैं, यही अगर 10 अक्टूबर देखो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट एक सर्टेन रेट से ही बढ़ता है, ठीक है ना। आज जैसे मान लो कोई भी वर्ल्ड वॉर का बात चल रहा है, मिसाइल फोड़ दिया, कुछ हो गया, पैंडेमिक हो गया, कोरोना, कुछ भी, तो शॉर्ट टर्म का बात है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मार्केट एक एवरेज रेट के हिसाब से ही बढ़ता है। आज एक बात बताते हैं, ठीक है, अभी मार्केट 25,000 पे है, ठीक है, 15% का ग्रोथ रेट मान लो, इंटू 1.15 करो कितना आता है बताओ। मैं बोलता हूं इंटू 1.15 करो कितना आता है, 28750 आता है ना, माने आज से ठीक एक साल के बाद में निफ्टी, माने अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है अक्टूबर, तो मतलब अगला दिसंबर तक निफ्टी मोटा मोटी 29,000 के आसपास में रहेगा। यही तो है ना, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी हो सकता है, 2000 पॉइंट ऊपर 2000 पॉइंट नीचे कुछ भी हो सकता है, मोटा मोटी तो इसके आसपास में ही रहेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है, जो बड़ा बड़ा पैसा लोग करता है, वो लोग क्या करते हैं देखो, वो लोग क्या करेगा, ये समय दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है, वो लोग सीधा यहां पर जाएगा, ठीक है। मैं बोला 24 चल रहा है ना, अपने आ जाते हैं अभी, ये देखो मिल गया अपने को सितंबर का ही मिल गया, आओ एक साल बाद, ठीक है। देखो यहां पर तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, मैंने इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी है नहीं, ठीक है, दिसंबर वाले में होगा। हाँ, वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी अलग चीज होगा, लिक्विडिटी नहीं होगा तो फिर ट्रेड करके तो मतलब नहीं है ना, तुमको फंसा देगा। लिक्विडिटी मतलब फॉर एग्जांपल तुम जब बाय करने जाएगा तो बाय हो जाएगा लेकिन तुम बेच नहीं पाएगा, तुम बेच नहीं पाएगा उसको, तो लिक्विड नहीं है, तो लिक्विड नहीं है तो फिर तुम्हारा बिड एस्पेक्ट ज्यादा होगा। कोई भी काउंटर अगर लिक्विड नहीं है मतलब क्या, बिड एस्पेक्ट ज्यादा होगा ना, बाय सेल में बहुत ज्यादा फर्क होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे हमने सितंबर का देखा तो वो लिक्विड नहीं था, तो सितंबर में नहीं करेंगे, किस में करेंगे, अगला दिसंबर में करेंगे, ईयर एंड इज मोस्टली लिक्विड। तो देखो 20, अब देखो, अब एक चीज समझना, अब देखो देखो 28,000 में देखो कितना काम हुआ है, देखो 28,000 में देखो कितना काम हुआ है, ठीक है, 29,000 में अगेन पुट में उतना काम नहीं हुआ, कॉल में हुआ खाली, ठीक है। तो 28,000 निफ्टी, क्योंकि सब लोग मोटा मोटी यही सब लगाया ना, साल में कितना बढ़ जाएगा 3,000, तो 28,000 पे देखो कितना काम हुआ है, ठीक है। 28,000 का काउंटर भी लिक्विड है, ठीक है, 28,000 का काउंटर भी लिक्विड है। देखो सबसे ज्यादा तुम्हारा ओपन इंटरेस्ट जो है वो देखो इसी में तुमको मिलेगा, ये चार में तुमको मिल रहा है। बहुत लोग है जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई 1529, अब जैसी चीज समझो, बहुत लोग है जो लोग क्या करते हैं, लंबा लंबा कॉल खरीद के बैठ जाते हैं, लंबा लंबा पुट खरीद के बैठ जाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ का खरीद के बैठ जाते हैं, दोनों तरफ का बेच के बैठ जाते हैं। बट बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, तुम एक्सपेक्ट करो, जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 25,000 से 27,000 ले लो, ठीक है। सबसे ज्यादा देखो ओपन इंटरेस्ट 27,000 पे, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 27,000 पे, ठीक है। तो 27,000 का मैं क्या कर रहा हूं, एक कॉल का दाम लिखो 27,000 का, 27,000 का कॉल का दाम लिखो 1752 एंड पुट का दाम लिखो 1719, 1752 एंड 1719, ठीक है। मोटा मोटी 1700 रुपए ना दोनों तरफ का, 1700 रुपए दोनों तरफ का। अब एक ध्यान दो, अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं क्या स्ट्रेटेजी लगाऊंगा पता है, मैं क्या कर रहा हूं 27,000 का, मैं क्या कर रहा हूं 27,000 का, ठीक है। अब देखो तुम लोग, मैं क्या करूंगा 27,000 का अगला साल का दिसंबर का, मतलब आज से 15 महीना बाद का, एक कॉल सेल करूंगा और एक पुट सेल करूंगा, तो दोनों में टोटल प्रीमियम कितना आया 3500, ठीक है। अब मैं कौन सा रेंज के लिए प्रोटेक्टेड हूं, मैं कौन सा रेंज के लिए प्रोटेक्टेड हूं, मैं प्रोटेक्टेड हूं 23,500 से लेकर के बोलो 30,500, माने इस रेंज में अगर मैंने बेचा है, चीज समझो, इस रेंज में कुछ भी होगा ना, समझा, वो लोग ये करता है। तो बेसिकली ये एक तरीका है, ठीक है, तुम चीज समझा। अब इसमें क्या होगा, अब जब तुम बेचता है ना, तुम्हारा तुमने टोटल प्रीमियम कितना कमाया, 3500 × 25 कितना आ रहा है बताओ, 87500, ठीक है। अब मार्केट अगर मान लो थम जाता है तो तुमको 1500 का प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट अगर थम जाएगा तो तुमको 15, अगर तुम दोनों तरफ का ऑप्शन बेचेगा ना, अगर तुम दोनों तरफ का ऑप्शन बेचता है तो तुमको मैक्सिमम 2.5 लाख का मार्जिन लगेगा, समझा, तुमको मैक्सिमम 2.5 लाख का मार्जिन लगेगा दोनों तरफ का अगर बेचता है तो, ठीक है।
87500 का तुम्हारा क्या हुआ, प्रीमियम कलेक्शन। अब मान लेते हैं मार्केट थम जाता है, 25,000 का 25,000 ही रहता है, तो 1500 × 25 कितना होता है बताओ, 37,500 होता है। 37,500 को डिवाइड करो 2,50,000 से, .15 आ रहा है, इंटू 12/15 करो, क्योंकि 15 महीने का है ना वो, तो वो तो 15 महीने का है, इंटू 12/15 तो एनुअल रिटर्न कितना आ रहा है, मैंने 12% का रिटर्न आ रहा है, तुम चीज समझा, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसमें तुम्हारा नुकसान का चांसेस बहुत कम है, इसीलिए आरओआई तुम्हारा जो आ रहा है वो नॉर्मल आ रहा है। यही अगर तुम आरओआई को करके 20% पे लेके जाएगा, 25 पे लेके जाएगा, 30 पे लेके जाएगा, तो देखेगा तुम्हारा वही रिस्क बढ़ जाएगा, लंबा बेचेगा तो प्रीमियम ज्यादा खा पाएगा। अब क्या होगा, मान लो मार्केट में कोई भी टाइप का ऐसा फ्लक्चुएशन आएगा ना, तो ये वाला शॉक्स को ये एब्जॉर्ब करेगा, बट शॉर्ट टर्म एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जैसे मान लो ये वाला ऐसे ऐसे जा रहा है, ये अचानक से ऐसे ऐसे ये आएगा, ये धीरे धीरे ऊपर इस तरफ ही आएगा, ठीक है, तो ये वाला जो शॉक्स है और ये सब शॉक्स को ये एब्जॉर्ब करेगा, बट शॉर्ट टर्म एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हो सकता है कि तुम कल अगला हफ्ता का दोनों कॉल पुट बेच रखा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, तुम बेच रखा है और अगला हफ्ता मिसाइल विसाइल फोड़ा चालू हो गया, न्यूज आ गया वर्ल्ड वॉर थ्री स्टार्ट्स, तुम तो गया, क्योंकि तुम तो दोनों तरफ का बेच रखा है ना, ठीक है, तो सेल कर रहे अगर नेकेड तो बहुत देख के करना, तो बहुत बड़ा तुम जितना दूर का बेचेगा उतना बढ़िया है, लिक्विडिटी देख के करो, ठीक है, दूर का बेचो, ठीक है। अब एक बात बताते तुमको, ठीक है, अब एक चीज समझो, ये जो है ना 23,500 और 30,500, ठीक है, अब और एक चीज देखो, अब मजा वाला चीज देखो, अब तुमको क्या करना है, इसको कवर करना है। देखो एक चीज यहां पर बोल देते हैं, 1 in 1 million, 1 in 1 million मेक मनी बाय सेलिंग ऑप्शंस नेकेड, मतलब तुम खाली एक सी माइनस कर दिया और एक पी माइनस कर दिया विदाउट प्रोटेक्शन, तुम्हारा किस्मत अच्छा था, तुम्हारा स्ट्रेटजी बढ़िया था, तुम कर लिया, तुम्हारे को पैसा आ गया, ओनली 1 in 1 million मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग ऑप्शन नेकेड, अदर्स गो होम नेकेड, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग एक ऐसा चीज है, मान लो निफ्टी अगर 20% बढ़ता है, ठीक है, निफ्टी अगर 25,000 से 20% बढ़ता है, करो तो कितना होता है, 25,000 का करो तो, हाँ 25,000 का 20% नहीं, मान लो 30% बढ़ जाता है, ठीक है, 30% बढ़ जाता है तो कितना होगा, 32,500 पे रहेगा, 32,500 पे रहेगा, तुमको 2,000 नुकसान हो जाएगा, 2,000 × 25 मतलब तुमको 50,000 का नुकसान हो जाएगा, कैपिटल था तुम्हारा 2,50,000 का, उसमें तुमको 50,000 का नुकसान हो गया। मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, 15 महीना में 30% बढ़ना कौन सा बड़ा चीज है, बढ़ने को तो बढ़ ही सकता है, 30-40 कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा तो यहां पर कवर्ड नहीं है, तुम्हारा तो यहां पर कवर्ड नहीं है ना, तो कवर्ड नहीं है तो फिर कैसे होगा, इसीलिए बोलते हैं 1 in 1 million मेक ऑप्शन बाय सेलिंग, मेक मनी बाय सेलिंग ऑप्शंस नेकेड, अदर्स गो होम नेकेड, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग एक ऐसा चीज है ना, अगर तुम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अब प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान देना, ठीक है, तो तुम्हारा देखो, तुम्हारा यहीं पर क्या होगा, 20% कैपिटल तुम्हारा साफ हो जाएगा, तुमको अपना कैपिटल को बचा के रखना बहुत जरूरी है, तुम्हारा जो कैपिटल है उसमें एक ट्रेड में 5% से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, तुम्हारा मान लो कैपिटल है 1,00,000, तो तुम कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो तुम 5,000 से ज्यादा नुकसान बियर नहीं कर सकता है, वहां पर स्टॉप लॉस होना जरूरी है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शंस में एफएनओ में ये कहानी बहुत अच्छा बोला गया है, ओनली 1 in 1 million मेक मनी बाय सेलिंग ऑप्शंस नेकेड, अदर्स गो होम नेकेड, ठीक है। अब इधर देखो, अब मैं तुम लोग को दिखाता हूं प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तुम लंबा बेच दिया, ठीक है, अब तुम हफ्ता हफ्ता का ऑप्शन बाय करते रहो, ताकि कोई भी हफ्ता में अगर मान लो कोई भी टाइप का भूचाल वाला एक्टिविटी होगा तो तुम उससे प्रोटेक्ट हो पाएगा। जैसे देखो 10 अक्टूबर का मैं दिखाता हूं, अपने प्रोटेक्टेड थे कहां तक, अपने प्रोटेक्टेड थे कहां तक, 27,000 का स्ट्राइक बेचे थे ना, 27,000 के 23,500 कितना था, 27,000 के हिसाब से कितना आ रहा था, 23,500 आ रहा था, 24,500 आ रहा था, 23,500, ठीक है, 23,500 आ रहा है। अब ध्यान दो इधर, अगर 23,500 के हिसाब से अपने देखते हैं तो 23,500 ये रहा ना, तो 23,500 का दाम कितना चल रहा है, देखो अपने को करना है कि अपने को 23,500 का पुट लेना है, क्योंकि 23,500 के नीचे जाने से अपने कवर्ड नहीं है, 23,500 का पुट का दाम देखो 5 रुपए है,
6 रुपए मान लो, ठीक है, और ऊपर तरफ में क्या था, 30,500, देखो है ही नहीं, 30,500 है ही नहीं, ठीक है, मान लेते जो लास्ट है, जो लास्ट है उसका कॉल का दाम देख लो 2 रुपया, ठीक है, तो 10 रुपया करके करो, 10 into मैंने एक महीना में कितना होता है, 4 हफ्ता होता है, 10 रुपए का तुम प्रोटेक्शन बाय कर रहे हैं, तो 10 into 4 into 15, हाँ क्योंकि 15 महीना है ना, एक महीना 600, समझा, तो तुम्हारा बेसिकली 600 ये लग रहा है into 25, 25 का लॉट है, अरे 10 रुपए करके हफ्ता का प्रोटेक्शन बाय कर रहा है, महीना में प्रोटेक्शन कितना हुआ, 40 इंटू क्या 15, तो कितना हो रहा है, 600 हो रहा है, 600 इंटू 25 का लॉट कितना होता है, 15,000 का तुम्हारा प्रोटेक्शन कॉस्ट आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि तुम जितना, अब देखो तुम्हारा नुकसान कब होगा पहले यह सोच के देखो, तुम्हारा नुकसान कब होगा, तुम्हारा नुकसान होगा 23,500 के नीचे जाने में और 30,500 के ऊपर जाने में, तो तुम हर हफ्ता में उसके लिए कवर्ड है, तुम्हारा बीच में प्रॉफिट लॉस दिखाएगा वो तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे मान लो लॉस दिखा रहा है तो पेशेंटली वेट करो, ठीक है, वो ट्रेड को बैठाना, दोबारा से एडजस्ट करना, अब धीरे धीरे करके, क्योंकि ऑप्शन तो हर दिन गलेगा ना, एक बात समझो, अभी ये इसका कितना प्रीमियम आ रहा था अगला हफ्ता का, 10 तारीख का प्रीमियम कितना आ रहा था, कॉल का नहीं, कॉल का प्रीमियम आ रहा है 200, ट्रेडिंग डेज कितना बचा है, 5, मैंने हर दिन का मोटा मोटी कितना आ रहा है, ये ऐसे नहीं होगा, सॉरी, एक हफ्ता के हिसाब से देखो कितना आ रहा है, मोटा मोटी 200/7 करो कितना आता है, 30 रुपए आ रहे हैं ना मोटा मोटी, माने कल अगर मार्केट 25,000 पे खुलता है, चीज समझो, कल अगर मार्केट 25,000 पे, कल अगर 3 बजे बेसिकली, कल अगर 3 बजे मार्केट तुम्हारा 25,000 पे ही रहेगा ना, तो यही ऑप्शन का दाम 170 हो जाएगा, फिर दो दिन बंद है ना, अगर मंडे को इतना ही बजे, देखो सैटरडे 1 दिन, संडे 2 दिन, फिर मंडे तीन दिन हो रहा ना, तो 3 दिन का अगर मंडे को इसी दाम पे खुलता है, 25,000 के आसपास ही खुलता है, तो 90 रुपये और कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास में, 80, समझा, फिर इस तरीके से समझ गया ना, मोटा मोटी वो ऐसे करके पूरा एडजस्ट होते जाएगा, तो ये गलता है ना, तो सेलर क्या करता है, उसी का फायदा उठाता है, मार्केट ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, तो सेलर यहां सेल कर रहा है और वो वहां यहीं बाय कर ले रहा ऑप्शन को, यहां ऑप्शन सेल किया 200 में और यहां वही ऑप्शन को बाय कर लिया 120 में, तो 80 रुपए का उसका प्रॉफिट हो गया। सेलर को नुकसान कब होगा, जब मार्केट ऐसे जाएगा या फिर मार्केट ऐसे जाएगा, ठीक है ना, समझ गया, इसको देख लो, ठीक है, कल का क्लास के लिए होमवर्क दे रहे हैं, स्ट्रैडल मैनेज कराया है आप लोगों को, कल रिसर्च करके आना है स्ट्रैंगल में और स्प्रेड स्ट्रैटेजीज में, बटरफ्लाई में, रुको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये सब को छोड़ो, मैं यहां पर लिख देता हूं, एक मिनट रुको, ठीक है, तुम लोग को ये सब पे रिसर्च करके आना है, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, ठीक है, उसके बाद बटरफ्लाई एंड कॉन्डोर, ये सब पे तुम लोग को थोड़ा रिसर्च करके आना है, कॉल स्प्रेड क्या होता है, पुट स्प्रेड क्या होता है, ठीक है, बटरफ्लाई एंड कॉन्डोर क्या होता है, ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, सर पुट में आईटीएम ओटीएम एटीएम का बताना, डिफरेंस का लॉजिक, पुट में सेम ही है, पुट में भी यही सेम चीज आएगा, पुट में भी सेम ही चीज आएगा भाई, अगर मान लो तुम्हारा स्ट्राइक है 800, ठीक है, शेयर प्राइस 750 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पुट इज इन द मनी,
क्योंकि आज अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ₹50 का पे ऑफ मिलेगा। यही अगर मान लो तुम्हारा शेयर प्राइस 800 है तो पुट इज एट द मनी, क्योंकि दोनों सेम है। एंड यही अगर मान लो तुम्हारा पुट इज आउट ऑफ द मनी तो वो 850 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में तुम्हारा इंट्रिंसिक, क्योंकि आज अगर एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 800 के नीचे जाने से पे ऑफ चालू होगा। ठीक है, सेलिंग में प्रॉफिट हुआ तो आई थिंक, नहीं ऐसा नहीं है, सेलिंग नहीं बोल रहा हूं, मैं एक्सरसाइज बोल रहा हूं। अगर मान लो ऑप्शन का प्रीमियम है ₹100, तो खरीदेगा बेचेगा ₹100 में, ऑप्शन को जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो कितना रुपया आ रहा है। एक्सरसाइज इज द राइट वर्ड, एक्सरसाइज करने से अगर पे ऑफ पॉजिटिव आ रहा है मतलब इन द मनी है। बहुत सिंपल सी चीज है, एक एग्जांपल ले लो, के तुम्हारा है 1300, ठीक है, शेयर प्राइस है 1400, ठीक है, पुट ऑप्शन है, तो ये पुट इन द मनी हुआ ना, सॉरी ये पुट आउट ऑफ द मनी हुआ ना, ये पुट हुआ आउट ऑफ द मनी, ये पुट हुआ आउट ऑफ द मनी और कॉल हुआ इन द मनी। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि 1300 के नीचे जाने से पे ऑफ चालू होगा। 1300 के नीचे अगर रहता शेयर प्राइस तो इन द मनी होता, 1300 होता तो एट द मनी, क्योंकि 1300 के ऊपर है। अब इसी केस में देख लो, 1300 के नीचे है था तो इन द मनी, इक्वल टू 1300 होता तो एट द मनी, क्योंकि 1300 से ज्यादा है बोल के आउट ऑफ द मनी। ठीक है ना, सेलिंग का मतलब है आप जब सेल करते हो तो आपको दो चीज मिलता है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी मिलता है और टाइम वैल्यू भी मिलता है, लेकिन आप जब एक्सरसाइज करोगे तो आपको सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा, टाइम वैल्यू नहीं मिलेगा। सर आपने लास्ट में सेलर को प्रॉफिट वाला पॉइंट बताया, वो प्लीज वापस एक्सप्लेन कीजिए। सेलर को मतलब प्रॉफिट वाला पॉइंट मतलब ठीक है, आज वाला क्लास मैं YouTube पे डालूंगा, एक बार इसको रिवाइज करके आना, कल फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल इसी चीज को वापस से डिस्कस करेंगे और कल मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगा, ये सब पूरा क्लियर कर दूंगा। 200 में पुट एंड, हाँ आज मान लो मैं पुट ऑप्शन सेल किया एट द रेट 200, ठीक है, 2 महीने का पुट ऑप्शन है मान लो, ठीक है, 1 महीना बाद मैंने इसी चीज का दाम चेक किया तो ₹80 चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, अभी भी एक्सपायरी में 1 महीना बाकी है, तो अल्टीमेटली मेरे को कितने का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा तो मैंने बाय किया 200 में, सॉरी मैंने सेल किया 200 में, मैं बाय कर रहा हूं 80 में, ठीक है, उसी चीज को मैं बाय कर लिया तो मेरा 120 का तो प्रॉफिट हो गया ना। मैंने सेल किया 200 में और मैंने बाय किया 80 में, मैंने सेल किया पुट को 200 में, इसको एज अ कमोडिटी सोचिए कि कोई भी चीज आपने 200 में बेचा और आप उसको 80 में बाय कर रहे हो, या फिर 100 में बाय कर रहे हो, फिर 120 में बाय कर रहे हो, आर्बिट्रेज कैसे हुआ, मैंने तो पोजीशन लिया है ना, आर्बिट्रेज क्या होता है, आर्बिट्रेज इज रिस्क लेस प्रॉफिट। ये आर्बिट्रेज कैसे हुआ, मैंने आज पुट सेल किया, ठीक है, मैंने प्रीमियम कलेक्ट किया 200, 1 महीना बाद मैंने इसी चीज का दाम चेक किया, 1 महीना बाद मैंने इसी चीज का दाम चेक किया, उस समय इस चीज का दाम चल रहा था ₹120, तो मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा ना। मैं यहां पर सेल किया मेरे को प्रीमियम आया, मैं यहां बाय करूंगा मेरा पैसा लगेगा, तो ₹80 का मेरे को प्रॉफिट हुआ ना। आर्बिट्रेज कैसे हुआ, आर्बिट्रेज होता है रिस्क लेस प्रॉफिट, ठीक है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर्बिट्रेज का भी एक दो एग्जांपल देके करा दूंगा, अभी बहुत सारी क्लासेस लगेंगी डेरिवेटिव में। रिस्क कैसे कट गया आप समझ ही नहीं रहे हो, रिस्क कैसे कट गया इसमें, रिस्क कैसे कट गया, रिस्क, रिस्क लेस प्रॉफिट, रिस्क लेस प्रॉफिट। मेरे को स्टार्ट में ही पता होता है आर्बिट्रेज में कि मेरे को प्रॉफिट होगा, मैंने यहां पर जब पुट बेचा 200 में तो मेरे को पता था कि मेरे को प्रॉफिट होगा ही होगा। आर्बिट्रेज में मेरे को एकदम स्टार्टिंग में ही पता रहता है कि मेरे को प्रॉफिट होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ₹100 का कोई चीज है, ऊपर गया तो 200, नीचे गया तो 50, ठीक है, उसके बाद में ₹40 का कोई चीज है, ऊपर गया तो 100, नीचे गया तो 25,
ठीक है। अब एक चीज सोचो, यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं ये ए है और ये बी है, अगर मैं दो ठो बी बाय कर लूं और एक ठो ए सेल कर दूं, 2b प्लस ए माइनस अगर मैं कर दूं, तो मेरा मैच्योरिटी पे पे ऑफ क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर गया तो यहां से मेरे को 200 आएगा और यहां पर मेरा 200 जाएगा तो कट गया, नीचे गया तो यहां पर क्या होगा, नीचे गया अगर तो यहां मेरे को 50 आएगा और यहां मेरा 50 जाएगा, तो मेरा मैच्योरिटी पे ऑफ जीरो है। आज ये पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए कितना रुपया लगा, दो ठो बी खरीदेंगे तो 80 रुपया माइनस, दो ठो बी खरीदेंगे तो 80 रुपया माइनस और ए के बेचेंगे तो 100 रुपया आएगा, तो आज मेरे को ये जो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया ये क्या है, ये आर्बिट्राज है। क्यों? क्योंकि दो चीज का अगर पे ऑफ सेम है तो उसका प्राइस भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हिसाब से प्राइस होना कितना चाहिए था, प्राइस होना चाहिए था 50, लेकिन प्राइस है कितना, 40। तो दिस इज आर्बिट्राज, करने के पहले मेरे को पता है कि मेरा प्रॉफिट होगा। बट इस केस में तो ऐसा नहीं है ना, मैंने कॉल बेचा 200 में, मेरे को कैसे पता कि बढ़ेगा कि घटेगा दाम। अगर मान लो मैंने कॉल सेल किया है 500 में, ठीक है, इस केस में मेरे को फायदा कब होगा, जब मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा या फिर मार्केट एकदम सेम रहेगा ओवर टाइम, उस केस में प्रॉफिट। लेकिन मार्केट ऊपर चला गया तो यही कॉल का दाम कितना हो जाएगा, 1000, 1500, 2000, ठीक है। तो दिस इज नॉट आर्बिट्राज, ठीक है। थैंक यू।